आदित्य ने गुस्से में उठाया बड़ा कदम, अपनी ही बेटी को भेज दिया हॉस्टल। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया टैली और मैं हूं आपके साथ रजनी दुबे। टीवी सीरियल मंगल लक्ष्मी में मंगल के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि उसकी बेटी हो गई है उससे जुदा। आदित्य ने उसकी बेटी को भेज दिया है हॉस्टल। यहां पर मंगल और उसकी सासू मां काफी ज्यादा रोते हुए नजर आ रहे हैं। तभी आता है घर में कार्तिक और कहता है तैयारियां शुरू करनी है ना, भैया का बर्थडे है। यहां पर मंगल की सासू मां कहती नहीं, हम लगता है आदित्य का बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर पाएंगे क्योंकि आदित्य ने अपनी ही बेटी को हॉस्टल में भेज दिया है। यहाँ पर मंगल का रो रो कर बुरा हाल है, वो बात करना चाहती है अपनी बेटी से लेकिन हॉस्टल वाले उससे बात नहीं करने देते। बस उसकी आवाज सुननी है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, दो मिनट बस। अच्छा ठीक है, फोन करके आते हैं। क्या कहा? माँ वो कह रहे हैं कि इशाना बिल्कुल ठीक है, अपने कमरे में। माँ आप फिक्र मत करिए, उन्होंने कहा है कि उनका नियम है ऐसे बात नहीं करा सकते, दिन और समय निश्चित होता है तभी बात करा देंगे। कितने निर्दयी लोग हैं, बच्ची है बात करने का मन होता होगा, बस कह दिया नियम है, उसे भी हमारी याद आती होगी। आप कमरे में पानी पीजिए। मैंने खाया ना इशारा, उसका ठीक है, खा भी रही होगी। अम्मा आपसे क्या आवाज़ है? मम्मी मम्मी मुझे हॉस्टल नहीं जाना, मुझे घर पे ही रहना है आप लोगों के साथ। बेटा ऐसा क्यों सोच रहे हो, आपको कोई कहीं नहीं भेजा, आप यहीं रहोगे हमारे साथ। पापा भेज देंगे, उन्होंने शाना दीदी को भेज दिया। दादा दादी मुझे बिल्कुल हॉस्टल नहीं जाना, आप पापा को बोलिए ना, मुझे हॉस्टल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं जाऊंगा, देखो वैसे भी असर पड़ रहा है। मम्मी का नहीं बेटा, तुमको कोई नहीं भेज रहा कहीं, ऐसे क्यों सोच रहे हो आप? पापा भेज देंगे ना मम्मी मुझे, उन्होंने दीदी को भी भेज दिया। वो चलते हुए आ रहा है पीछे से। बाय मंगल, कह दो इसे हम इसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहते। ऐसे क्या खता हुए मुझसे मौसी जी? कार्तिक आया, कार्तिक है ये तो हमारे जिगर का टुकड़ा है। कार्तिक बेटा अचानक से कैसे आना हुआ? वो बस इसकी शक्ल नहीं देखना चाहते भैया की। बस समझ गया, आपको गुस्से में ठीक मेरी माँ भी था, वो भी ऐसी गुस्से में बिखर जाते और मैं फिर उनको मना लेता। प्लीज आप ऐसे मना सकते हो। अभी चलिए बताइए क्या तैयारी होगी? तैयारियाँ? हाँ ये तो दिमाग से निकल गया, वो अम्मा अजय जी का जन्मदिन है ना, इसलिए मैंने कल फ़ोन किया था दमाद जी को यहाँ आने के लिए तैयारियाँ करने के लिए। क्या मतलब? मैं यहाँ से पूछे कवर अप किया, आपने देखा शाना जी से? शाना कहाँ है वो दिख नहीं रही। अरे जी हॉस्टल छोड़ कर आ गया, उसे आज ही ये कर गए, वो भी बोर्डिंग में। बोर्डिंग में? मैं तो बताया ही नहीं, मैं तो बताया ही नहीं किसी ने कि शाना को हॉस्टल भेज रहे। मतलब जी अभी कुछ मत पूछिए, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं इनके दिल में अचानक से क्या आया, उसे हॉस्टल छोड़कर आ गए। भाभी
आई एम श्योर भैया ने कुछ सोच समझ के ईशान को भेजा होगा, उनकी भी तो लाडली बेटी है ना, और वैसे भी बर्थडे पे तो बुलाएंगे ना उसको, वो आ जाएंगे। मतलब देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्या अदित का दिल पिघलेगा और अपनी बेटी को हॉस्टल से वापस लेकर आएगा, या फिर मंगल उठाएगी कोई बड़ा कदम। ऐसे ही टीवी सीरियल के अपडेट के लिए पढ़ रही है फर्स्ट इंडिया टेली के साथ। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।